नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुबह सुबह शरीर में होने वाली जकड़न, सुबह जब उठते हैं शरीर एकदम टाइट जकड़ा हुआ मिलता है और बहुत देर तक शरीर अपनी वापस नॉर्मल स्थिति में नहीं आ पाता है। ये थोड़ी धूप निकलेगी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करेंगे तब जाके शरीर अपनी स्थिति में आएगा। उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सुबह का समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप अपना बिजनेस करते हैं, चाहे आप कहीं जॉब पे जाते हैं, आप प्राइवेट जॉब में हैं चाहे सरकारी जॉब में हैं, सुबह का काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सुबह का समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस टाइम आदमी सबसे ज़्यादा काम अपने शरीर से, अपने जो जो वर्क प्लेस होता है उस पर करना चाहता है। लेकिन अगर सुबह उठने के बाद हमेशा आलस, जकड़न, पूरे शरीर में दर्द जैसी स्थिति बनी रहती है, तो ये हमें हमारा काम करने से रोकती है, इफेक्टिवली तेजी के साथ काम करने से रोकती है। जहां तक हम इसके लक्षण की या सिम्टम्स की बात करते हैं, तो सिम्टम्स यही रहेगा कि सुबह उठते ही पूरे शरीर में जकड़न रहेगी। किसी को एडी में जकड़न और पेन रहता है, किसी को कमर में, किसी को गर्दन में, किसी को पूरे शरीर में बहुत ज्यादा अकड़न और दर्द की स्थिति बनी रहेगी। काम करने की इच्छा नहीं होगी, थकान लगी रहेगी, थकान बनी रहेगी। इसके कई कारण हो सकते हैं। जब हम कारण पे आते हैं तो सबसे पहला, सबसे बड़ा कारण है विटामिन डी की अगर कमी रहेगी शरीर में तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। और भी कई सारी मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से हमारे शरीर में स्थिति बनती है। अभी आज मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथी में अगर यह समस्या भी है तो इसको कैसे ठीक करेंगे। दूसरी स्थिति हो सकती है कि यूरिक एसिड जो होता है, एक अगर आपकी एज 35 के आसपास है, 35 से ऊपर है, पहले ये स्थिति ज्यादा एज में आती थी लेकिन अब खान पान ऐसा है, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो जो यूरिक एसिड है वो थोड़ा अर्ली एज में बढ़ना शुरू हो गया है। तो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी या बढ़ना स्टार्ट होने की वजह से, आप टेस्ट कराएंगे तो आपका यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज में मिलेगा आपको, लेकिन अगर वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, स्लाइटली इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, विद इन रेंज है, तो भी ये सिम्टम आने लगते हैं। बहुत ज्यादा थकान, बहुत ज्यादा अकड़न शरीर में, दर्द की स्थिति ये बनी रहती है। तो स्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी थेरेपेटिक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको आप लगातार कुछ दिन तक यूज करके ये जो थकान है, ये जो शरीर की समस्या है, इनको आप ठीक कर सकते हैं। इनमें सप्लीमेंट भी हैं, होम्योपैथिक रेमेडीज भी हैं जिनके बारे में आज मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वैसे आज हमारे चैनल की जो जो मेंबर हैं, जो फैमिलीज हैं, हम 9000 मेंबर हो गए हैं, 9000 सब्सक्राइबर हमारे हो गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप सब लोगों का प्यार है जो लगातार मिल रहा है। लगातार कई सारे लोग रोज हमारे से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं। तो चलिए अब हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि जो सुबह सुबह जो थकान होती है इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन को हमें लेना चाहिए। अगर आपको सिर्फ थकान है शरीर में, जकड़न है, दर्द नहीं है, तो आपको दो होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है। पहली मेडिसिन है बैक्सन कंपनी की, आती है विटामिन डी प्लस करके, ये कैप्सूल या गोलियां आपको मिलेंगी। इसमें हम काफी सारे मल्टीविटामिन्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंटली आपको इसमें विटामिन डी मिलेगा, D3 मिलेगा, विटामिन B12 मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, मैग्नीशियम, जिंक। ये सब क्या करते हैं, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारी कैल्शियम भी है, हमारे शरीर की ताकत को बढ़ाते हैं। सुबह सुबह जो स्टिफनेस है, क्योंकि विटामिन D3 की कमी रहेगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, हालांकि कैल्शियम को इसमें ऐड किया गया है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इस विटामिन, जो डी प्लस कैप्सूल है बैक्सन कंपनी का, इसको आप किसी भी होम्योपैथिक ऑथेंटिक शॉप से ले लेंगे। और ये आपको एक कैप्सूल रोज, ये कैप्सूल या गोली जैसी आती है लगभग ब्लैक, ये आपको देखेंगे इसमें ब्राउनिश कलर की, इस टाइप की, इसको एक आपको रात को लेनी है केवल, थोड़े गुनगुने पानी के साथ में इसको आप ले लेंगे। दूसरा 5-FOS, एक SBL का टोनिक आता है, पिक्चर में लगा देता हूं, 5-FOS को भी आप लेंगे, एक चम्मच सुबह, एक चम्मच दोपहर, एक चम्मच शाम को। इसमें पेंटाफोस है, 5 फोस्फेटिक रेमेडीज को ऐड किया गया है।
वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए शॉर्ट में बता दे रहा हूं, ये एक रीजनरेट करने वाला टॉनिक है, शरीर की एनर्जी को रीजनरेट कर देता है। इस टॉनिक को अगर साल भर में ये 2 बार आदमी पी ले जब मौसम चेंज होता है तो उसकी इम्यूनिटी मजबूत रहती है और उसके शरीर की जो एनर्जी है वो लगातार मेंटेन रहती है, वो थकान और वो सारी समस्या उसको देखने को नहीं मिलती। तो 5 फोर्स लेना है आपको, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार। लेकिन अगर आपके शरीर में जकड़न के साथ साथ दर्द भी है, हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हो, मान लो डायग्नोसिस नहीं है लेकिन आपको सुबह सुबह बहुत ज्यादा थकान है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, तो आपको एक और सिरप भी लेना है। SBL कंपनी का ही आता है ये भी, ऑर्थोमूव के नाम से आता है, ऑर्थोमूव। इसमें भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जॉइंट पेन, मसल मस्कुलर पेन, अर्थराइटिस, गाउट, मतलब यूरिक एसिड का बढ़ना, अगर कोई मसल इंजरी है, कोई खिंचाव है, उसको भी ये ठीक कर देती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें आर्निका, ब्रायनिया, डलकामारा, रस्टोक्स, ये सब बहुत अच्छी पेन किलर मेडिसिन है। इससे भी बढ़िया इसमें गुलथेरिया को ऐड किया गया है, गुलथेरिया वन ऑफ द बेस्ट पेन किलर है हर्ब्स में, जो आयुर्वेदिक दवाई में भी यूज होता है। इसके अलावा एसिड बेंजोइक है और काली आयोड है, यूरिक एसिड को, गाउट की स्थिति को भी ठीक कर दे, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी भी 1-1 चम्मच आपको 3 बार लेनी होती है। इस तरीके से आप इन 3 दवाओं का यूज करेंगे तो सुबह सुबह स्टिफनेस, जकड़न और दर्द जो शरीर में दिखता है वो आपका बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये था मेरा आज का वीडियो, मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह सुबह होने वाली जकड़न और शरीर में दर्द की स्थिति को होम्योपैथिक मेडिसिन से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपनी कम्युनिटी में, ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों एक अपील आप लोगों से मैं कर रहा हूँ, मैं कमेंट बॉक्स में कोई मेरा नाम लेके या किसी भी तरीके से आपको कोई नंबर दे मेरा और बोले आपको कि इस नंबर पे डॉक्टर साहब से बात हो जाएगी, या आप उनको मैसेज कर दें, आपसे कोई पैसे मांगे, तो उनके चक्कर में आप लोग नहीं पड़ेंगे। आप लोग केवल कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे, मैं वहीं पे जवाब देता हूँ जो कमेंट बॉक्स रहता है यूट्यूब का। कोई फ़ोन नंबर या ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप मैंने नहीं बनाया है, ऐसे कोई लोग हैं तो वो सब फ्रॉड हैं, उनके चक्कर में मत पड़िएगा और किसी को 1 पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।